साथियों, उत्तराखंड के लिए एक तरह से इस चुनाव का एक और महत्व है। आपको तय करना है, इतने सालों तक उत्तराखंड के नौजवानों में यही चर्चा होती थी, जाए तो कहां जाए, किस राज्य में जाएंगे तो वहां ठीक से बस पाएंगे, किस जगह पे जाएंगे तो कहीं रोजी रोटी मिल जाएगी। यानी 70 साल तक पुरानी सरकारों के जमाने में जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे तब भी, अलग उत्तराखंड बना तब भी, पलायन यही एक मुख्य मुद्दा रहा। पलायन, पलायन, पलायन। ये चुनाव पलायन को पलटने वाला, पर्यटन को बढ़ाने वाला चुनाव है जी। आपको तय करना है कि इस चुनाव में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए कि पलायन को बढ़ावा देने वाले लोग चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग कहेंगे अब पलायन बंद होना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए, अब जाएंगे नहीं, लोगों को बुलाएंगे, यहां का हमारा प्रकृति का दर्शन कराएंगे। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी के युवा नेतृत्व वाली सरकार है जो पर्यटन, प्रगति, प्रकृति और रोजगार के लिए काम कर रही है। दूसरी ओर वो पुरानी मानसिकता है जिसने दशकों तक उत्तराखंड में पलायन के हालात पैदा किए। यहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता रहा, वो लोग पहाड़ों के संसाधनों का शोषण करते रहे, यहां गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं थे, पीने को पानी नहीं था, इलाज की सुविधा नहीं थी। मैं यहां आता था तो देखता था कि माता बहनों को सर पर बंठों में कितनी कितनी दूर पानी लाने जाना पड़ता था। मैं सही बोल रहा हूं ना माताएं, मैं सही बोल रहा हूं ना, बंठों को उठा उठा करके जाना पड़ता था, और साथ में हमारे छोटे बच्चे भी डब्बे या छोटे से कुप्पे में पानी ढोते थे। ये दिन मैंने देखे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों को इसकी चिंता नहीं होती थी, उन्हें उत्तराखंड से ज्यादा चिंता दिल्ली के दरबार की रहती थी। काली कमाई होती रहे, दरबार में पहुंचती रही और दरबार की कृपा आती रहे, और गरीब के साथ क्या होता था, उसे अपना गांव, अपना घर, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपनी प्रकृति, अपना पहाड़, अपनी खुली जिंदगी, सब कुछ छोड़ करके झुग्गी झोपड़ी में, शहरों में जाकर के दो टूक रोटी के लिए जिंदगी खपानी पड़ती थी। भाजपा की सरकार आने के बाद पहली बार पूरी ताकत से स्थिति बदलने के लिए काम हुआ। उनके समय में पहाड़ के जलस्रोत सूखे थे तो इसका ठिकरा ये प्रकृति पर फोड़ते थे। हम कुबाओं की पाइपलाइन के रूप में जामरानी बांध का काम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। हम जल जीवन मिशन के जरिए गांव गांव, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में 8 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। 8 लाख घरों में नल से जल का काम हमने कर लिया है। इस बार के बजट में देश के गांव गांव पानी का कनेक्शन पहुंचाने के लिए मेरी माताएं बहने, आप मुझे आशीर्वाद देते रहिए, 60,000 करोड़ रुपया हम खर्च करने वाले हैं ताकि मेरी माताओं बहनों को पानी लाने के कष्ट से मुक्ति मिले, वो नल चालू करे और घर में पानी आ जाए।
माताएं बहनें मैं आपके लिए काम करता। दामी की सरकार दोबारा बनने के बाद जल्द से जल्द उत्तराखंड के हर घर को नल से जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। हमारी किसी भी मां बहन को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका मोदीदा, आपका मोदीदा आपको ये विश्वास दे रहा है।